बात करेंगे सुपौल जिले की, जहां के पिपरा थाना क्षेत्र अंतर्गत की घटना महेशपुर की बताई जा रही है। आपको बता दें, दो लड़कियां फसिया ग्राम निवासी राघोपुर कॉलेज से अपने घर वापस आ रही थीं और रास्ते में महेशपुर से तीन युवक पल्सर बाइक से पीछा करते हुए फसिया महेशपुर के बीच में एक पुलिया के समीप घेर लिया, उनके साथ छेड़खानी करी और अपहरण की नियत से जबरन बाइक पर बैठाने का प्रयास भी किया गया है। लेकिन लड़की के द्वारा विरोध करने पर बदमाशों ने बेल्ट से उसे मारपीट की और हल्ला करने पर बगल में मवेशी चरा रहे लोगों के द्वारा किसी तरह जान बचाई गई। हालांकि पीड़िता ने एक की पहचान अशोक यादव छीवजपुर निवासी के पुत्र नीतीश कुमार के रूप में करी है और दूसरे को भी चेहरा से पहचानने की बात कही है। देखिए पीड़िता का क्या कहना है, साथ ही साथ पीड़िता के पिता एवं महेशपुर चौकी कांस्टेबल मनोज कुमार तथा थानाध्यक्ष पिपरा जो कि बाइट देने से कतराते रहे तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे। देखिए यह पूरी रिपोर्ट संवाददाता दीप नारायण कुमार के साथ। क्या घटना हुआ था? अच्छा, ये आपको कहाँ से पीछा किया था ये लड़का? अच्छा, पुलिस प्रशासन को बोले हुए थे क्या? नहीं, पुलिस प्रशासन से एक घंटा लेट आया। अच्छा, आपका नाम क्या है बाबू? ऋचा कुमार। घर? फसिया। आपका पापा क्या नाम है? यहाँ क्या मामला हुआ? यहाँ छेड़खानी हुआ था, लड़की के साथ ये लोग जा रही थी बाइक से, आया दो लड़का, वो कह रहा था कि बाइक पे बैठो, ये लोग कही कि नहीं हम लोग वैसे चले जाएंगे, बातचीत करते हुए। कहाँ से आ रही थी? कॉलेज से, पिपरा कॉलेज से। अच्छा, इसको कहाँ छेड़छाड़ की? पाखड़ से पूरा महेशपुर चौक से 500-700 मीटर की दूरी पर है पुलिया छोटकर से, उसी पुलिया के पास होता है ये घटना। बराबर की घटना है, प्रत्येक सप्ताह कुछ न कुछ वहाँ अनहोनी होते रहता। अच्छा सर, ये जो लड़की है वो कौन लगता है आपको? मेरी बड़ी बच्ची है। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या है? चंद्रमोहन ठाकुर। घर? फसिया। वार्ड नंबर कितना है? 6। प्रशासन यहाँ आया तो प्रशासन क्या आपको आश्वासन? प्रशासन बहुत विलंब से आया यहाँ, प्रशासन को जो सूचना दिए उसके लगभग पौने घंटा के बाद प्रशासन वहाँ पहुँची। अच्छा, 500 मीटर की दूरी पे यहाँ फाड़ी है, लेकिन फाड़ी करने के बाद भी लोग लगभग पौने घंटा के बाद पहुँचा। आर9 भारत के लिए दीप नारायण, सुपौल, बिहार।